नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं एनएक फुटबॉल टेक। 10 सितंबर 2019 को भारतीय फुटबॉल टीम अपना फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 का दूसरा मैच कतर के खिलाफ खेलने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, हम इन दोनों टीम की प्रोबेबल लाइनअप देखते हैं। अगर हम भारतीय फुटबॉल टीम की बात करें तो इसमें साहिल अब्दुल सहमत, अनस कतोडिका और प्रीतम कोटाल को जगह मिल सकती है। अगर हम भारतीय फुटबॉल टीम की प्रोबेबल लाइनअप की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, राहुल पीके, संदेश चिंगर, आदिल खान, सुभाषीष बोस, उदांत सिंह, अनिरुद्ध तापा, रॉलिन बोर्गेस, ब्रेंडन फर्नांडिस, सुनील छेत्री और आशीष कुरियानी। दोस्तों, ये थी भारतीय फुटबॉल टीम की प्रोबेबल लाइन। अगर हम कतर फुटबॉल टीम की प्रोबेबल लाइनअप की बात करें तो वो सेम रहेगी जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी, ऐसी हमें प्रेडिक्शन मिली है। तो दोस्तों, अगर हम कतर फुटबॉल टीम की प्रोबेबल लाइनअप की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। सर अल रहीम, पेड्रो मिगुल, करवालो, तारिक सलमान, बौलन कौकी, अब्दुल्ला करीम हसन, असीम मदीबो, करीमा बादी, अकरम अकी, यूसुफ अब्दुसरीसान, हसन अलियालोस, तक अलमोज अली। तो दोस्तों, ये थी कतर फुटबॉल टीम की प्रबल मैन। तो दोस्तों, अगर हम भारतीय फुटबॉल टीम की बात करें तो भारतीय फुटबॉल टीम के फीफा रहेंगे 103 और उसके कोच है इगोर स्टेम। दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम का जो मैच 10 सितंबर 2019 को कतर के खिलाफ, उस मैच में गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और बैक फोर का बहुत अहम रोल होगा। अगर गुरप्रीत सिंह संधू प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाकर और डिफेंस लाइन प्रॉपर शेप में रहकर पीछे से बिल्डअप करे तो भारतीय फुटबॉल टीम एक अच्छा मैच खेल सकती है। भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डरों ने अपने ही हाफ में कई गलतियां की, जिन गलतियों के कारण भारतीय फुटबॉल को एक बॉल टीम में बैक हुआ। अगर हम फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो सुनील छेत्री का कहना है कि अगर हम एक यूनिट की तरह के रहे और कम से कम गलतियां करें तो भारतीय फुटबॉल टीम को गोल करने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं कर रहा हूँ। अगर हम भारतीय फुटबॉल टीम की बात करें तो सुनील छेत्री, जिन्होंने ओमान के खिलाफ एक गोल कर भारतीय फुटबॉल टीम को फर्स्ट हाफ में एक गोल दिलाया था और इसी गोल के साथ सुनील छेत्री सेकंड एक्टिव गोल स्कोरर बनने बन चुके हैं। अगर हम अनिरुद्ध थापा की बात करें तो उन्होंने भारतीय फुटबॉल टीम के विंगरों को काफी मदद की है और काफी सारी बॉल फीड की है लेफ्ट और राइट विंग में, जिसके कारण भारतीय फुटबॉल टीम ने कई अटैक ओमान के खिलाफ बनाए थे, तो उन पर भी 10 सितंबर को कड़ी नजर रही। दोस्तों, अगर हम कतर की बात करें तो कतर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 का होस्ट है और उन्होंने अपने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के पहले मैच में अफगानिस्तान को 6-0 से हरा एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम की है और अब भारतीय फुटबॉल टीम को फेस करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अगर हम कतर फुटबॉल टीम के की प्लेयर की बात करें तो वो है अलमोज अली, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक शानदार हैट्रिक की और अफगानिस्तान की फुटबॉल टीम को 6-0 से हराकर कतर फुटबॉल टीम के नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवाई थी। दोस्तों, अगर हम कतर फुटबॉल टीम के हेड कोच की बात करें तो उनके हेड कोच हैं एलेक्स सेंचेस पेस, जिन्होंने हाल ही में एशियन कप में अपनी कतर फुटबॉल टीम को विजय बनाया। कतर फुटबॉल टीम एक वेल डेवलप्ड टीम है, साथ ही साथ एशिया की सबसे ग्रेटेस्ट टीम है, क्योंकि कतर फुटबॉल टीम में एक्सपीरियंस और यूथ प्लेयर दोनों ही मौजूद हैं, जो अपने एक्सपीरियंस और तेजी से खेल का डायरेक्ट काउंटर अटैक बनाते हैं और गेम को जल्द से जल्द खत्म करने में विश्वास रखते हैं। अगर हम इस मैच की वेन्यू टाइमिंग की बात करें तो यह जासिम बिन हमद स्टेडियम दोहा में खेला जाएगा। ठीक 10 बजे इस मैच का किक ऑफ होगा और अगर आपको यह मैच लाइव देखना है तो आप स्टार स्पोर्ट 3 पर यह मैच लाइव देख सकते हैं और अगर आपको यह मैच ऑनलाइन देखना है तो आप हॉटस्टार पर ऑनलाइन देख सकते हैं। दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए आप बताओ, क्या इंडियन फुटबॉल टीम कतर को हरा कर अपना कदम जारी रख पाएगी या नहीं? क्या भारतीय फुटबॉल टीम जो गलती ओमान के खिलाफ की थी वही गलतियाँ दोहराएगी या एक नई भारतीय फुटबॉल टीम हमें कतर के खिलाफ दिखेगी? जय हिंद।